Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we are presenting few important multiple choice question and answers from the subject Fundamental of Nursing. So let's begin our today's video. Question number 1. Client with gastric lavas and prolonged vomiting assessed for. यदि किसी पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक लावास किया जा रहा है या फिर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उस पेशेंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है. ऑप्शन ए एसिडोसिस, ऑप्शन बी एल्किलोसिस. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एल्किलोसिस. जब किसी पेशेंट के अंदर हम गैस्ट्रिक लावास देते हैं या फिर पर्सन को कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग हो रही है तो उसके स्टमक में मौजूद सारा एसिड वॉमिटिंग के थ्रू या लावास के प्रोसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है तो इस दौरान पर्सन में एसिड की कमी हो जाती है तो पर्सन में एल्किलोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है. आप चाहे तो वीडियो में दिए गए क्वेश्चन का आपके रिवीजन हेतु स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्पायरोनोलैक्टोन ड्रग प्रोड्यूसेस. स्पायरोनोलैक्टोन ड्रग देने पर निम्न में से कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है. ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया. आपके हिंट के लिए हम आपको बता दें स्पायरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ड्रग है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. स्पायरोनोलैक्टोन ड्रग के द्वारा पर्सन में हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है. हाइपरकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना. पोटेशियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे हार्ट को प्रभावित करता है. इसका बढ़ा हुआ लेवल और घटा हुआ लेवल व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है. स्पायरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक ड्रग है. डाययूरेटिक जैसा कि नाम से ही पता चलता है डाययूरेटिक यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाली ड्रग्स. क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले सभी स्टूडेंट्स को ये जरूर पता होगा लेसिक्स या फ्रूसेमाइड भी एक बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली डाययूरेटिक मेडिसिन है. डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल हम अक्सर हाई बीपी को मेंटेन करने के लिए भी करते हैं. अब बात करते हैं स्पायरोनोलैक्टोन की जो कि एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक मेडिसिन है. इट ब्लॉक्स एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन अपॉन रीनल ट्यूब्यूल्स. स्पायरोनोलैक्टोन ड्रग के द्वारा एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है. सो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम नॉट अकर, जिसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता और पर्सन की बॉडी में पोटेशियम लेवल या हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर किन्हें माना जाता है. ऑप्शन ए वर्जीनिया हेंडरसन, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर के रूप में जानते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन. नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शन ए 12 मई को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The right answer is option A, 12 May. हर साल 12 मई को हम नर्सेस डे के रूप में या इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 12 मई यानी नर्सेस डे पर क्या थीम रखी गई है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, इसीलिए इस दिन को हम इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू ईयर कॉल्ड। जब किसी पेशेंट के आप ईयर में कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए इंस्टिलेशन, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी इनहेलेशन, ऑप्शन डी इनफिल्ट्रेशन। वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंस्टिलेशन। जब भी किसी पर्सन के ईयर में आप ईयर ड्रॉप या मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप उसे इंस्टिलेशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पेशेंट के अंदर ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर करना है तो आप कहेंगे हम उसमें ईयर ड्रॉप इंस्टिलेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। ऑलवेज यूज द टर्म टू बी प्रोफेशनल। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम निडल की सहायता से पेरेंट्रल रूट में, एंट्रल रूट क्या होता है जिससे हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम GIT वाला, ये एंट्रल रूट है। इस रूट के अलावा बॉडी के किसी भी रूट से हम अगर निडल की सहायता से वेन्स के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो रूट पेरेंट्रल रूट कहलाएगा और उसे हम इंजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। ड्रग्स का गैसियस फॉर्म जिसे हम इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन मेथड से इनहेल करते हैं, इसे हम इनहेलेशन प्रोसेस कहेंगे। और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन एक ऐसी टर्म है जब आप किसी पर्सन के अंदर कोई ड्रग पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो ड्रग यदि इंट्रासेल्युलर स्पेस या टिश्यूज में या सेल के अंदर डायरेक्टली माइग्रेट कर जाए तो इस कंडीशन को हम इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुटेबल साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न बेबी। ऑप्शन ए एपिकल, बी फीमोरल, सी पीडल, डी कैरोटिड। न्यूबॉर्न बेबी में सुटेबल साइट कौन सी है पल्स चेक करने हेतु? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एपिकल। एपिकल साइट इज अ मोस्ट सुटेबल साइट टू असेस द पल्स इन अ न्यूबॉर्न बेबी। यदि आपको नवजात शिशु के अंदर पल्स असेसमेंट करना है तो सबसे अच्छी जगह है एपिकल साइट। एपिकल साइट कौन सी है? एपिकल साइट से पल्स असेस करने हेतु आपको पर्स बेबी के चेस्ट रीजन में हार्ट के एपेक्स पार्ट पर अस्कल्टेट करना होता है विथ स्टेथोस्कोप एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेवल ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। इस जगह पर जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको एपिकल पल्स असेस होगी और ये सुटेबल साइट मानी जाती है न्यूबॉर्न बेबीज में पल्स असेसमेंट हेतु। फीमोरल पल्स, पीडल पल्स और कैरोटिड पल्स इतनी सुटेबल नहीं मानी जाती जितना कि एपिकल साइट है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। 7th क्वेश्चन इज ब्लूप्रिंट ऑफ रियल नर्सिंग केयर कॉल्ड। रियल नर्सिंग केयर का ब्लूप्रिंट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नर्सिंग केयर प्लान को, ऑप्शन बी नर्सिंग केस स्टडी को। डोंट बी कंफ्यूज्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान इज नोन एज द एक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग केयर। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 8 इज इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन।
जब किसी पेशेंट में इंसुलिन इन्फ्यूजन चल रहा है, पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप के द्वारा इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो उस दौरान पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम हो जाना, हाइपरनेट्रीमिया सोडियम का लेवल बढ़ जाना, हाइपोकैलीमिया पोटेशियम कम होना, हाइपरकैलीमिया पोटेशियम का बढ़ जाना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हाइपोकैलीमिया। जब किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन बाय इन्फ्यूजन चल रहा होता है, तो इस समय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाता है। सेल के बाहर से पोटेशियम सेल के अंदर आने लगता है ड्यूरिंग इंसुलिन इन्फ्यूजन। सो इसके कारण बॉडी में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होने लगता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी किसी पेशेंट में इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन चल रहा है, तो उसके अंदर आपको हाइपोकैलीमिया कंडीशन तो नहीं हो रही, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चाइल्ड असिमेट्री ऑफ स्कल इंडिकेट्स। यदि आप किसी बच्चे का फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं और आप ये पाते हैं कि उसका स्कल असिमेट्रिकल है, असिमेट्री का मतलब है यदि किसी वस्तु को या पार्ट को हम इमेजिनरी लाइन द्वारा दो हिस्से में बांटें, तो दोनों पार्ट्स एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पर उस बच्चे में असिमेट्री है, यानी वो पार्ट इक्वल नहीं है। तो इसके द्वारा हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं या ये सिचुएशन किसे इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए हाइड्रोसिफेलस को, ऑप्शन बी क्रेनियोटैप्स को, ऑप्शन सी क्रेनियोसाइनोस्टोसिस को, या फिर ऑप्शन डी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी क्रेनियोसाइनोस्टोसिस is the right choice. Craniosynostosis एक ऐसी condition है जिसमें बच्चे का skull asymmetric होता है। Hydrocephalus क्या है? Hydrocephalus एक ऐसी condition है जिसमें बच्चे में cerebrospinal fluid यानी CSF काफी मात्रा में बढ़ जाता है और इसकी वजह से बच्चे का head बड़ा हो जाता है। क्रेनियोटैप्स क्या है? क्रेनियोटैप्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो कि मुख्य रूप से नवजात शिशु या छोटे बच्चों में पाई जाती है, उनके जब आप स्कल को टच करेंगे, उसके हेड को, स्कल पार्ट को जब आप टच करेंगे, तो आप पाएंगे उनका स्कल बहुत ही थिन है या फिर बहुत सॉफ्ट है। लास्ट आता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो कि बच्चों की बोन्स को प्रभावित करती हैं। यहां दिए गए ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों ही सिचुएशंस का इस असिमेट्री ऑफ स्कल से कोई लिंक नहीं है। यहां पर राइट आंसर होगा क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 10। ब्लड इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ। ब्लड को हमें किस टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए? ऑप्शन ए 4 degrees to 6 degrees centigrade, ऑप्शन बी 6 degrees centigrade to 10 degrees centigrade। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 to 6 degrees centigrade। याद रखिएगा, ब्लड को हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर 1 to 6 degrees के तापमान पर स्टोर करना चाहिए। 1 to 6 degrees centigrade temperature blood should be stored in refrigerator. Question number 11. Self-care deficit theory of nursing is put forwarded by
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्सिंग थ्योरी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी? ऑप्शन ए डोरोथिया ई ओरेम, ऑप्शन बी वर्जीनिया हेंडरसन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डोरोथिया ई ओरेम इज द पर्सन हु गेव सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 12। थंब इज नॉट यूज्ड फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज। किसी भी पर्सन में हमें पल्स रेट काउंट करने हेतु थंब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए थंब इज टू थिक, ऑप्शन बी द नर्स इज पुट इन एन अवेकवर्ड पोजिशन, ऑप्शन सी द आर्टरी इन द थंब नियर द टिप, या फिर ऑप्शन डी देयर इज एन आर्टरी इन द थंब। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, देयर इज एन आर्टरी इन द थंब एंड ड्यू टू दिस वी आर नॉट यूजिंग थंब फॉर कैलकुलेटिंग द पल्स काउंट। जब कभी भी हमें पर्सन के पल्स रेट कैलकुलेट करनी है, पल्स का असेसमेंट करना है, तो आपको हमेशा आपकी ये जो फिंगर्स हैं इनके फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है, इन्हें इस तरह से पल्स असेसिंग साइट पर रखना है और पल्स को काउंट करना है। पल्स काउंटिंग में यदि आप पल्स काउंट करते समय अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे तो अंगूठे में आर्टरी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर आ रही पल्स और यहाँ पर आ रही पल्स में पल्स वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, पल्स कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो सकती है। इस वजह से हम फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द पल्स। वी आर नॉट यूजिंग thumb for calculating the pulse rate due to the presence of artery in the thumb. Thank you so much friends. Please like, share and subscribe our YouTube channel.